हाय, दिस चैप्टर बिलोंग्स टू द सर्कल्स और ये मैथ का 10th क्लास का है। यहाँ मैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स आपके साथ में शेयर करूँगा कि जो सर्कल्स की प्रॉब्लम है उनको कैसे सोल्व करते हैं, राइट? तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस कंसेप्ट को लेंथ को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो दिस कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट अभी आप यहाँ देखेंगे, दिस कंसेप्ट को किसी भी एनी लेंथ जो वहाँ मेंशन की होगी फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, को फाइंड करने के लिए किया जाता है, राइट? तो यहाँ मैं सिंपल वे में लिख भी दूँ और आपको बोल भी दूँ तो आपको याद रहेगा। तो हम उस कंसेप्ट की अभी बात कर रहे हैं। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि या तो आपको ट्रायंगल दिया होगा या फिर थ्री जो है टेंजेंट्स होंगे जो किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यदि कोई ट्रायंगल हो या थ्री टेंजेंट्स हो जो ट्रायंगल बनाते हो, राइट? तो इस तरीके का जो कंसेप्ट है उसके लिए हम देखेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। और ये जो टेंजेंट की बात यहाँ की है इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा, राइट? तो पॉइंट कुछ इस तरह से है कि सपोज किया मेरे पास में ये कोई सर्कल है और इस सर्कल को हम किसी ट्रायंगल के अंदर ऐसे ये रख दिया हुआ है, ये थोड़ा बाहर से यहाँ, राइट? तो इसको सपोज किया मैं ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को बी और इसको सी बोलता हूँ। तो यहाँ ये इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, तो इसको हम पी जहाँ करता है उसको, और ये आपका क्यू और ये पॉइंट जो आपका आर है। तो ऐसा हम मान के चलते हैं राइट, कि भाई इस तरीके से ये जो है हम लोगों के पास में इंफॉर्मेशन है। तो या तो ये किसी ट्रायंगल के ट्रायंगल हो यहाँ, राइट? या फिर ये आप मान के चलिए कि ये टेंजेंट हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, ये थ्री टेंजेंट्स हैं। तो तब क्या होगा, राइट? तो तब ये होगा कि यहाँ जो पॉइंट है, सपोज किया उससे पहले की वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता दूं कि क्या हम लोगों ने शेयर किया था, तो ये पॉइंट और ज़्यादा क्लियर होगा आपको कि अगर ये सर्कल आपके पास में है और कोई टेंजेंट आपके किसी एक्सटर्नल पॉइंट, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है टी, इससे चले हैं और वो इंटरसेक्ट करते हैं इन पॉइंट्स पर, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, राइट? तो ये आप पी और क्यू इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वहाँ डेफिनेशन के अंदर ये आया था कि अगर किसी एक पॉइंट से, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो हैं चलते हैं और वो किसी सर्कल को यहाँ जैसे पी और क्यू पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो डिस्टेंस पी टी है, टी पी है, और जो डिस्टेंस टी क्यू है वो इक्वल होगा, राइट? तो ये बेसिक कंसेप्ट था, राइट? तो अभी यही ये सिचुएशन अब हम लोगों के पास में है। और इस सिचुएशन में क्या है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कोई सर्कल है और यहाँ ये ट्रायंगल के अंदर रखा है, या फिर ये मैं कहूँ कि टेंजेंट्स हैं, एक टेंजेंट में इसको मान लेता हूँ, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, लाइक दिस। तो क्या होगा कि अब यहाँ ये बी और ये सी, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स के जैसे बिहेव करते हैं।
तो आप ये देखिए कि अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ और एक टेंजेंट इधर भेजता हूँ ये, और दूसरा टेंजेंट ये, राइट, तो यहाँ क्या होगा, ये पॉइंट बी जो होगा इक्वल टू टी होगा, तो तब क्या होगा, ये पी और क्यू जो होगा उनका डिस्टेंस पी बी से जो है वो सेम होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी पी जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू बी क्यू, राइट, फ्रॉम दी बी पॉइंट। और अगर मैं सी पॉइंट के देखता हूँ, सी पॉइंट से देखता हूँ, तो एक ये आपकी लाइन गई टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट ये गया, तो इस साइड ये टेंजेंट यहाँ इंटरसेक्ट करता है सर्कल को और इस साइड यहाँ क्यू पे करता है, तो जो सी आर डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू सी क्यू, राइट। तो इस टाइम आपने क्या किया, इस पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर किया है, राइट, तो उसके पॉइंट से ये सी टू आर और सी टू क्यू जो है वो इक्वल डिस्टेंस होगा। अगर मैं ए को कंसिडर करता हूँ एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस है इधर ए टू पी और जो आपका ए टू आर है ये इक्वल होगा। तो ये एक कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कि सर्कल के अंदर जब इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, कि सपोज किया आपको कोई एक आर्म कोई एक साइड जो है वो गिवन है ए टू बी या बी टू सी या ए टू सी लाइक दिस, या फिर दूसरा क्यू टू सी या सी टू आर इस तरीके से गिवन है, और वो किसी दूसरे पॉइंट को पूछते हैं, राइट, तब इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ आई थिंक कि मुझको और लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो अब मैं एक एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बेस पे फिर ये चीज़ क्लियर करेंगे। तो यहाँ कंसेप्ट क्या था, पहले पॉइंट पर पहली स्लाइड में हमने क्या ऑब्जर्व किया था, क्या सीख लिया था, कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से इंटरसेक्ट ये जो दो आपके हैं इनका जो डिस्टेंस होगा वो सेम हो। अब क्या था, ये प्रॉब्लम इस टाइप से है कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल रखा है और ये इंटरसेक्ट करते हैं इन पॉइंट्स पर, तो इसको आप ट्रायंगल भी बोल सकते हैं और इसको आप जो है ये टेंजेंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम सोल्व हम कर रहे हैं वो टेंजेंट के कंसेप्ट पे कर रहे हैं। तो अगर मैं ए पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट मानूंगा, तो ए कहाँ से ये गया है, यहाँ एक लाइन ये गई है, दूसरी लाइन ये गई है, राइट, तो इस तरीके से ए पी और ए आर ये जो होंगे डिस्टेंस ये सेम होंगे, और बी के लिए बी पी और बी क्यू सेम होंगे, सी के लिए सी क्यू और सी आर सेम होगा, राइट। अब उसके बाद कोई भी डिस्टेंस आपके पास आपको निकालना है, तो आप इन कंसेप्ट को यूज करके वो जो डिस्टेंस है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में एक दो न्यूमेरिकल हम लेंगे जिससे कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है उसको पहले लिख लें, एक एग्जाम्पल है। तो द साइड्स ए बी, द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी टच ए सर्कल एट पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। इसको शो करेंगे, तो शो करने के लिए यहाँ इसकी ड्राइंग हम लोग ऐसे कर लेंगे कि ये पहले ट्रायंगल बना लें, राइट, और उसके बाद में ये आपका सर्कल, राइट, ये पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं ए पॉइंट और इसको बी कहा एंड दिस इज वन सी, और ये जहाँ इसको इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट पी, और ये पॉइंट इसको क्यू कहा एंड दिस वन इज दी आ, और वाइस वर्सा इसको हम लोग ये मैं इसको
आर और ये क्यू सीक्वेंस में आ जाएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका सर्कल का जो सेंटर है वो दिस वन। तो यहाँ ये बोल दिया है कि साइड से बी बी सी एंड सी ए ओ पे ट्राइंगल ए बी बी सी एंड दिस इज सी ए, टच ए सर्कल एट पी क्यू एंड आर। ए बी को कहाँ टच करता है? पी पर। बी सी को कहाँ टच करता है? क्यू पर। और सी ए को टच करता है ये आर पॉइंट पर रेस्पेक्टिवली। और गिवन क्या है? गिवन ये है कि इफ इफ पी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, सो फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, और बी सी फाइंड आउट करना है ऑब्वियसली इन सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है? दिस पी ए, अगर पी ए गिवन है तो इसका मतलब ए आर भी नोन होगा फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट। फिर क्या दिया है? बी पी, बी और पी ये दिया है डिस्टेंस। अगर बी पी नोन है तो इसका मतलब बी क्यू भी नोन होगा। और फिर उसके बाद दिया है ए सी, ए सी कहाँ से कहाँ तक है? ए और ये सी, ये पूरी लेंथ दे दी है क्योंकि ये हम लोगों को दिया है राइट। और उसके बाद में ये पूरा ए सी दिया हुआ है राइट, उसके बाद में ये बी पी दिया है, और पूछते क्या है? लेंथ ऑफ बी सी, तो ये पूरी लेंथ ये पूछते हैं। तो बी सी हम लोगों को बताना होगा, और बी सी मैं आपको बता दूं पहले कि क्या है बी सी। बी सी है बी क्यू और क्यू सी। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कि मैं इसको लिख दूं कि जो हम लोगों को बी सी फाइंड आउट करना है पहले कि वो क्या है। बी सी इज इक्वल टू आप लिख देख पा रहे हैं कि बी क्यू प्लस क्यू सी। तो ये सेगमेंट में क्यों डिवाइड किया है? सेगमेंट में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर मैं फ्रॉम पॉइंट ए कंसिडर करूंगा राइट, तो ये क्या है? दो टेंजेंट हैं। तो यहाँ ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? पी और आर पे। तो यहाँ फ्रॉम, ऐसे मैं लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा कि फ्रॉम पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट से मैं देखता हूँ तो जो ए पी डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू किसके होगा? दिस वन, ए आर के इक्वल होगा। क्या ए पी या ए आर में से कोई गिवन है? यस, ए पी गिवन है, दिस पी ए गिवन। तो पी ए कितना है? पी ए या पी से ए तक या ए से पी तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब पी ए जो गिवन है दैट इज इक्वल टू ए पी, और वो इक्वल टू आर ए है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हुआ? ये भी 4 सेंटीमीटर हुआ। उसके बाद मैं जब पॉइंट बी कंसिडर करता हूँ तो पॉइंट जो है ये हमारा बी, अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो यहाँ टेंजेंट है ये दो, और ये सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? पी और क्यू पे। तो यहाँ से पी से बी तक का जो डिस्टेंस होगा या बी से क्यू तक का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, तो ये हम लोग लिख देंगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, मतलब बी पी से और ये बी क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो क्या गिवन है? बी पी गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी क्यू भी जो आपका वो 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये लेंथ यहाँ पर दे दी है 3 सेंटीमीटर राइट, यहाँ से यहाँ तक। अब उसके बाद क्या गिवन गिवन है? ए सी। तो अब मैं ए पॉइंट भी कंसीडर कर लिया एक्सटर्नल, बी पॉइंट भी कर लिया है, तो अब मैं अगर सी पॉइंट करूँगा तो मुझको क्या मिलेगा? मैं इस सी पॉइंट को कंसिडर करता हूँ तो सी टू आर और सी टू क्यू राइट। तो यहाँ ये जो डिस्टेंस है सी टू क्यू और सी टू आर ये इक्वल होगा। क्या सी क्यू सी आर गिवन है? सी क्यू सी आर नहीं, गिवन नहीं है, केवल ए सी गिवन है राइट। तो इसका मतलब सी क्यू सी आर गिवन नहीं है,
और ये BC हमको पूछते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अब देखें कि AC गिवन है, तो AC जो गिवन है कितना है, वो 11 सेंटीमीटर है। ये पूरी लेंथ गिवन है यहाँ से यहाँ तक की, और उसमें से ये सेगमेंट जो है आपका AR वो 4 सेंटीमीटर का है, तो CR कितना बचा आपका, 7 सेंटीमीटर। तो AC आपका है, और उसमें से अगर आप AR को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये RC, और AC आपकी 11 सेंटीमीटर का है और ये आपका 4 सेंटीमीटर का है, तो आपको मिलेंगे ये 7 सेंटीमीटर। तो अब जो CR या CQ डिस्टेंस है वो कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर। तो अब आपको ये डिस्टेंस भी पता है, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना है BQ तक का, ये 3 सेंटीमीटर है। तो BQ भी पता है और अब ये CQ या QC डिस्टेंस भी पता है, तो कितना हुआ, 3 + 7 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो उस कंसेप्ट को हम इस टाइप से यूज करेंगे। तो जब भी कोई ट्रायंगल आपके पास में इस तरीके से कोई प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है, तो आपको करना क्या है, ये जो आपके एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं AB C या जो भी कुछ गिवन होगा, उनको एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर करते हैं, जैसे कि उनसे कोई दो टेंजेंट गए हुए हैं, तो तब वो जो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल को, वो जो दो डिस्टेंस है उनको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम जो इस टाइप की है, तो उसको आपको इस तरीके से सोल्व करना है। तो इस वीडियो में तो केवल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो है दूसरा कंसेप्ट लेकर के उसको, दूसरी प्रॉब्लम को फिर सोल्व करेंगे।